नमस्कार, मध्याह्न खबर को स्वागत। मु मंदाकिनी। प्रथम देखिबा हेडलाइंस। आज संविधान दिवस पालुची देश। संसद रे देशवासी को प्रधानमंत्री संबोधन, कहले राजनीति रे दुर्नीति लोकतंत्र पाई विपद। आज आंबेडकर एवं राजेन्द्र प्रसाद को नमन करिबार दिन। 26 एकर शहीद को भी करिले सलाम। सुप्रीम कोर्ट रे कोठिया प्रसंग रे सुनाणी शेष। आसंता जनवरी 22 रे परवर्ती सुनाणी। पूर्वरु विवाद रो समाधान पाई करिथिले परामर्श। आचार्य बिहार रे आक्रमण को सांसद अपराजिता षडंगी निंदा। तांकु न डाकिबाकु बीजेडी रो जणे नेता करुथिले फोन। परिषद हॉल रे बैठक बेले होहल्ला सह ढेलामाड़। कहिले महिला सांसद को काम करिबाकु दियंतु राज्य सरकार। प्रेम पाई पागलामी मारिकी चालिबा परे करिथिले वीडियो धमक देइथिले या परे तोपाली। बलांगीर राजेन्द्र विश्वविद्यालय पछपटु मिलिथिला मृतदेह। भाइराल हेउची मृतदेह पोडिबार भयंकर दृश्य। कटकरे पिलांकु कोळी हेला काळ। महानदी पठाकु कोळी आणिबाकु जाई आउ फेरिलेनी। चारि जणक मृतदेह उद्धार। मुख्यमंत्री बालेश्वर गस्त पूर्व विरोध भय। 50 अधिक बीजेपी कर्मी को उठाई नेला पुलिस। साधारण लोकों भी बजार एवं डाक्तरखाना को छड़ा जाऊ नथिबा अभियोग। आज बालेश्वर रे बीजू स्वास्थ्य कार्ड बांटिले मुख्यमंत्री। नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे। आज संविधान दिवस पालुछि देश। एही अवसर रे संसद रे देशवासी को प्रधानमंत्री संबोधन, कहिले आंबेडकर एवं राजेन्द्र प्रसाद को नमन करिबार दिन। राजनीति रे दुर्नीति लोकतंत्र पई विपद। निज संबोधन रे 26 एकर शहीद को भी सलाम करिसेंति मोदी। पारिवारिक पार्टी देश पई चिंतार कारण। किछि पार्टी पीढ़ी परे पीढ़ी गोटे परिवार हाथ में रही। लोकतंत्र हित पई जनता को आग को आसीबा दरकार। संविधान दिवस रे संसद रो सेंट्रल हॉल रे आयोजित होई संविधान दिवस। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है। और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे,
पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट रे कोटिया प्रसंग रे सुनाणी शेष होचे। आसंता जनवरी 22 रे परवर्ती सुनाणी, 2022 जनवरी प्रथम सप्ताह रे एबो परवर्ती सुनाणी। आसंता आंध्र पक्षरु वरिष्ठ आईनजीवी निरंजन रेड्डी पक्ष रखिथिले। दुई राज्यर राजनीतिक आलोचना चलीछे। निकटरे कमिटी मध्य गठन होईछि, तेनु ओडिसार आईन अदालत मामलाकु रद्द करा जाउ। सुप्रीम कोर्ट एहार उत्तररे कहिथिले, आपणक आडु मामलार अवमानना होइथिबा अभिजोग होईछि। जदि उभय राज्यर एहार राजनीतिक समाधान न करे, तेबे आमे ओडिसा द्वारा दाखल होइथिबा अवमानना मामला उपरे निर्देश देबु। बिवादर समाधान पई आंध्र किंतु अपनाउछि दोमुहा नीति। आंध्रर सरकारी अधिकारी बारंबार सीमावर्ती अंचलकु आसि विभिन्न कार्यक्रमर आयोजन करुछन्ति। एमिति कि नवीन जगन आलोचना दिन ही आंध्र सरकारक पक्षरु कोटिया धूलिपदठारे पल्ली सभा कराजिबा सहित जमी पट्टा बंटन करा जायथिला। सुप्रीम कोर्ट रे कोटिया प्रसंगे आज शुणी शेष होती, तेज कौन शुणी होती से नहीं अधिक आलोचना करवा। आम सहित लीगल टीम मेंबर निरंजन छाव अच्छा सीधा साल सहित आलोचना करवा। निरंजन जी, आज का हियरिंग क्या हुआ है और कोर्ट ने क्या बोला? आज की हियरिंग में आंध्र साइड से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि नाउ दैट ये लोग, हम दोनों साइड जो है, दोनों पक्ष अपने पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो इसको जो कंटेंट पिटीशन जो हमने फाइल करी हुई है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको ख़त्म कर दें। तो जिसको हमने कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करने पे हमने उनको बताया कि अभी जो पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल रहा है वो निकल, अगर निकलता है तो ठीक है, और अगर नहीं निकलता है तो कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। कोर्ट ने हमारी बात मानी, कोर्ट ने बोला है कि भाई इसको हम कंटेंट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेट अस डिफर द हियरिंग और यू बोथ द साइड्स शुड फाइंड आउट अ सोल्यूशन विद इन अ मंथ, देयर आफ्टर इफ इन केस नो अग्रीमेंट इज रीच्ड देन द कोर्ट विल टेक इट टेक इन टू कंसिडरेशन वेदर दे हैव वायलेटेड द ऑलरेडी ऑलरेडी पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कमिटी फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसलिए आंध्र क्या चाहता था कंटेंट ऑफ कोर्ट मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए? वी शुड नॉट कमेंट लाइक दैट बिकॉज वी आर हैविंग अ डिस्कशन विद देम, सो द डिस्कशन शुड टेक प्लेस इन अ वेरी कंड्यूसिव एंड वेरी पीसफुल इन्वायरमेंट, देयर शुड नॉट बी एनी हॉस्टिलिटी इन दैट, कीपिंग दैट एस्पेक्ट इन व्यू आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट एंड वी शुड नॉट ऑल्सो कमेंट कि वो क्या कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से डिस्पोज ऑफ कराने की कोशिश करी, हमने उसको मना किया, कोर्ट ने हमारी बात मानी। गवर्नमेंट का और स्टैंड क्या था? हम तो यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल ही रहे हैं एंड वी शुड गिव, देखिए सीधे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल रहा है तो अच्छी बात है, वाई वी शुड पुट आर सेल्व इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू फाइट बिकॉज बोथ आर नेबरिंग स्टेट्स। आई डोंट थिंक पॉलिटिकल सोल्यूशन वुड बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। तो अगला हियरिंग कब है? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2020। तो ये फर्स्ट वीक तक अभी टाइम जो मिला है उसमें पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात की जाएगी आगे? वो लोग कर ही रहे होंगे, मतलब आप लोग मान के चलिए कि जो कमेटी बनाई है, कमेटी कुछ ना कुछ काम कर ही रही है। अब ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में तो आगे डिस्कस नहीं होंगी, तो जब सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ये लोग उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। दे आर वर्किंग इट, इफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस इज इन्वॉल्व, बोथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा एज वेल एज ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, इफ दीज ऑफिस आर इन्वॉल्व दैट मीन्स दिस हैज बीन टेकन एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। थैंक यू। पूर्व शुणाणी मान्यवर कोर्ट कही पॉलिटिकल सोल्यूशन बाहर करने कटक्रे कोली हेला काल। महानदी पठाकु कोली आणिबाकु जाई निखोज होइतिले चारि जण छात्र, तेबे चारि जणकर मृतदेह उद्धार करा जाइछि। सूचना अनुसारे गतकाली अपराह्नरे एही अघटन घटिथिला। पोता पोखरी अंचलर चारि जण अष्टम श्रेणीर छात्र भद्दीमूल घाट निकट महानदी पठाकु कोली खाइबाकु जाइथिले, किंतु संध्या परे भी सेमाने घरकु फेरि नथिले। घर लोक खोजाखोजी करबा परे सेमानक मध्यरु जणक साइकिल भद्दीमूल घाट निकटरे थिबा देखिबाकु पाइथिले। एहा पर अग्निशम एवं ओड्राफ्ट जरियारे खोजाखोजी करा जाइथिला। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करिया पे हमें सीधासळख जिबा घटनास्थल को घटनास्थल रे उपस्थित अछंती आम प्रतिनिधि विश्वजीत दास। विश्वजीत, वर्तमान अपडेट खबर कोन आसुछि? जा भाई कथा, भाई मु गांडिया
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସୁଛି, ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ୟୁଡି କେସ୍ ରୁଜୁ କରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ବଡ଼ିକୁ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ କରାଯିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାହା ଗତକାଲଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଶିଶୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ କେବେ 12-13 ବର୍ଷ ହେବ। ସେମାନେ ଚାରି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ନଦୀ କୂଳକୁ କ'ଣ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବା କୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଧରି ହୋଇକି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ରାସ୍ତାଠୁ ସାମାନ୍ୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ରହିଛି ନଦୀଟି, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଖବର ପାଇନଥିଲେ। ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ନଦୀକୂଳକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ନଦୀକୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ 2ଟି ମୃତଦେହ କରିଥିଲା ଏବଂ 11ଟା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ପୋତାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେହେତୁ ଚାରି ଜଣ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜୀବନ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପୋତାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପିଲା ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କାଲି କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ କହିକି ଆସିଲେ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଖେଳିବାକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଖେଳିବାକୁ କହିକି ଯାଇକି 4ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଖେଳିବାକୁ କହିକି ଯାଇ 4ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ଆମେ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲୁ। ତା'ପରେ 5ଟା ବାଜିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇବାରୁ ଆମେ ଚାଳିଆ ଥାନା ଯାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ନେଉଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଭଳି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଚାଲୁ ରହିବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ମହିଳା ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଭର୍ସନା କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଗତକାଲିର ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ତା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା 4 ଧର୍ଷଣ, 6 ଅପହରଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। 5 ବର୍ଷରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହର ଭଳି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସତାର ଭାବରେ ଅପହରଣ, ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ହାଣିଲେ, ମାରିଲେ, କାଟିଲେ, 20 ଫୁଟର ଗାତ ଖୋଳିକି ତାକୁ ପୋତିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସତା, ଇଏ ବିଭତ୍ସତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ବହୁମାନେ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି
ନଜର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିବ ଯିଏ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମର ମିଟିଂରେ ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦଖଲ କରିନେବା ଏବଂ ଟେକା ପଥର ମାରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଣ୍ଡାମି କଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନର ସରକାର ଅଛି ବୋଲି ଇଏ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ, ଏଠି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହେଲେଣି। ସରକାର ଦଳ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଏ, ପ୍ରତିବାଦର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସରକାର ଦଳ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ପଚାରି ଆସୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭାଷଣ ଶୁଣାଯାଉଛି, ନିଜେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ବିଧାନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବତାରଣା କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଚାଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିବେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମୋର ବାମ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଡିବେଟ୍ ପରେ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିବେଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ ଅସହିଷ୍ଣୁତା କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଆର ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତା ଇଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ, ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ, ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ତାକୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡାମି କରାଯାଉଛି, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ, ମହିଳା ଭାବରେ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ କାଲି ରାତିରେ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଭର୍ସନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଘୋଷିତ ଚାଲିଛି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଅଘୋଷିତ ନାହିଁ। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତିମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ଅଘୋଷିତ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଭଳି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।
ब्रेक परे स्वागत। लोकों जीवन सह खेल खेलुंट राज्य सरकार रोगी को दि जाऊपायरी मेडिसिन स्वास्थ्य विभाग चिठीर आसला सांघातिक सत एक्सपायरी मेडिसिन न देवाकु सब डाक्तखाना महाविद्यालय एवं मुख्य चिकित्सालय को निर्देश दि जा राज्य में अधिकांश डाक्तखाना एवं मेडिकल कॉलेज रे रोगी को एक्सपायरी मेडिसिन दि जाऊँ आगामी दिन में एथप्रति दृष्टि देवाकु स्वास्थ्य निर्देशक एवं मार्गदर्शिका जारी करिसंती। सरकार को एक मार्गदर्शिका को नहीं राउरकेला कैपिटल हॉस्पिटल समेत सबू डाक्तरखाना महाविद्यालय सबू जिला मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जनस्वास्थ्य अधिकारी को दर्शाई जे कौनसी परिप्रेक्षी रे एक्सपायरी मेडिसिन रोगी को जेपरी दि न जाए से प्रति दृष्टि देवाकु निर्देश देते रोगी को औषध देवा पूर्व तार अवधि को बारंबार देखिबार आवश्यकता रही एथिलागि स्वास्थ्यकर्मी को आवश्यक तालीम देवा दरकार। राज्य औषध निगम पक्षर पर्यायक्रमे तालीम प्रदान करातरखाना गुड़िक ठिकना भाव अनुसरण करना जो समस्या उपजी जो खबर आसी वर्तमान स्थल में पहुंचुची जे लोकों को एक्सपायरी मेडिसिन दिया जाउची जे रोगी माने आसुचंती डाक्तरखाना को सेमानन को एक्सपायरी मेडिसिन देउचंती डाक्टर माने तबे लोकों को जीवन सहित खेलुचंती राज्य सरकार रोगी को दिया जाउची एक्सपायरी मेडिसिन स्वास्थ्य विभाग रो चिट्ठी रो आसिला एभली सांघातिक सत्य तबे संपर्क रे अधिक आलोचना करिया पे आम सहित फोन लाइन रे जोडी होचंती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति। दिव्य, राज्य सरकार रोगी मानक सहित खेलुंट जीवन प्रति विपद रही कारण एक्सपायरी मेडिसिन से दि जाऊँगी सांघातिक तथ्य वर्तमान समय आँचुची देखो मंदाके निश्चित भाव स्वास्थ्य विभाग रे निर्देशक रही विजय महापात्र से जो आडभाइजर जारी कर सांघातिक सत्य सामनाक आसी राज्य विभिन्न मेडिकल कि रोगी को एक्सपायरी मेडिसिन दि जाऊँगी से प्रसंग सामनाक आसी एक देखु से पूरा निर्दिष्ट भाव कहुई विभिन्न स्थान में एक्सपायरी मेडिसिन दि जाऊँगी जहाद्वारा रोगी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जेको समय जेको स्थान में पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जा पारे दृष्टि रखी कड़ा निर्देश दिखाई स्वास्थ्य विभाग पक्षर जे जिते रोगी को मेडिसिन दि जाऊँगी से समय पूरा तार अवधि को जांच कर एक्सपायरी सरी कि ना जांच कर तनतन कर जांच करापे से मेडिसिन को दि जाऊ कारण अनेक जगार एभली घटना सामना को आसी अर्गस दुई तीनो एभली खबर प्रसारण करने छस ते बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय जड़े डाक्टर लेडी डाक्टर जिते कौन कारणवश मेडिकल आसते एक्सपायरी सालाइन दि जाता एक्सपायरी हुए सालाइन दि जाता जहाँ को नहीं से समय खबर प्रसारण होता अर्गस मध्यम से लेडी डाक्टर जिते प्रतिवाद करते से समय सेठाकर जो स्टाफ नर्स दुर्व्यवहार करते खराब व्यवहार पसंद करते से कथा से विरोध करते कथा जानते अंपटे दुई तीन मस ते नीलगिरी आ गोटे कथाक आठिकार जड़े छोट पा कि एक्सपायरी मेडिसिन दिगला और से एक्सपायरी मेडिसिन जो तार जीवन चलीगला से कथा अभिभावक मान अभोग करते तार खोलताड़ आरंभ होता निहत भाव में यह गोटे पर गोटे घटना सामनाक आसला क्यों ना कौन स्वास्थ्य विभाग पर गोटे प्रकार चिंता प्रकट कर स्वास्थ्य विभाग ए सचेतन होती कितु ये सचेतन केत कम कर सब बड़ कथा यार गोटे पुंगानुपुख जांच होगा दरकार जो जो जगार एक्सपायरी मेडिसिन दि जाए तार जांच कराई से अब आवश्यक रही कारण देखा यह एक दुर्भाग्यर कथा एपटे जदि देखा राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री गोटे पर गोटे जिले में स्वास्थ्य कार्ड बांटे लगी किंतु एपटे रोगी मान जीवन सहित खेलुंट रोगी मान एक्सपायरी मेडिसिन दि जाऊँगी दिव्यज्योति दिव्यज्योति शुणिपार जदि मत शुनी सूचे चाहूँगी राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं जो बाहबा नि तार बास्तव चित्र हूँ सरकार चिट्ठी स्वास्थ्य विभाग चिट्ठी तार हूँ बास्तव चित्र आपत देखु कोरोना समय जो भाई स्वास्थ्य विभाग विभिन्न प्रसंग सामनाक आसला और रोगी मैंने जो बाहर शोले और जो चिकित्सा अवहेला मृत्यु है एक कौन ना कौन विरोध कराइला से कथा निहत भाव समस्त जानते हैं आ गोटे कथ कह रखुची ये जो एक्सपायरी मेडिसिन कथा सामनाक आसूची सरकार निरामय योजना मध्यम मागणा मेडिसिन जोगाइ दौली बाहबा नौकरी कितु ये मागणा मेडिसिन जोगाइ देवार प्रकृत उद्देश्य ए मागणा मेडिसिन किभली जोगाइ दि जाऊँगी
তার প্রকৃত চিঠি বা প্রকৃত কথা হচ্ছে এই চিঠি মাঝে সামনাকে আসুচি আপনার দেখুন যে মাগণা মেডিসিন যোগাই দেওয়ার বাহাবা নেউছেন সরকার সেথিরু অধারু অধিকাংশ মেডিসিন এক্সপায়ারি মেডিসিন বলে নিজে রাজ্য সরকার বা স্বাস্থ্য বিভাগ কৌছি যদি এক্সপায়ারি মেডিসিন যোগাই দিয়ে সরকার কৌছেন যে আমি নিরাময়ে মাগণা মেডিসিন যোগাই দেউছু তাহা কতদূর ফলপ্রদ হব লোক এবং এর যে লোক মানে মৃত্যুমুখ নপড়বে তাহা কহবা অসম্ভব কারণ এই যে এক্সপায়ারি মেডিসিন দ্বারা লোক মানুষের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হব একথা নিজে স্বাস্থ্য বিভাগ কুচি তাপরে বি কাহিঁকি এক্সপায়ারি মেডিসিন দিয়া যাচ্ছে এবং আজি পর্যন্ত কেতে লোককে এইভাবে এক্সপায়ারি মেডিসিন দিয়া গলা এবং যে লোক এক্সপায়ারি মেডিসিন দিয়া হয়েছে তাঁর কম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়েছে সে দিকের মধ্যে গোটে বিধিবদ্ধ তদন্ত হওয়ার আবশ্যক রয়েছে এবং এথিপাই যে সরকারি অধিকারী দায়ী তাঁর উপরে কাষ্ট নেওয়ার আবশ্যক রয়েছে কেবল চিঠি লেখি বসিগলে হব না কেবল চিঠি লেখি বসিগলে হব না এখন প্রকৃত মনিটরিং করার আবশ্যকতা রয়েছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব্যজ্যোতি আপনার তমাম সূচনা পাই সময় সরছি বুলেটিন কো এটি রাখবা নমস্কার।